भाजपा ने राज्य सरकार पर जनता के साथ छलावा करने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार लगातार किसानों के साथ कोई न कोई कपट कर रही है। जिन किसानों के ने रेखा किसानों के रूप में पंजीयन कराया, पंजीकृत किसानों के खाते में धान के अंतर राशि वाले आते रहेंगे, लेकिन इस बार उनके खाते में अंतर राशि नहीं दी जा रही है। बीजेपी के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा नेताओं की झूठ बोलने और अफवाहें फैलाने की आदत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार किसानों को वादा अनुसार 2500 रुपए प्रति क्विंटल दे रही है। भाजपा नेताओं को आरोप लगाने से पहले पूर्व के रमन सरकार के आंकड़ों को पढ़ना चाहिए। इसके साथ ही सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। भाजपा नेताओं की आदत झूठ बोलने की है, अफवाह फैलाने की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार वादा अनुसार किसानों को धान की कीमत 25 रुपए प्रति क्विंटल दे रही है। राजीव गांधी किसान योजना के माध्यम से गन्ना, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, दलहन, तिलहन और फलदार वृक्ष और सब्जी लगाने वाले किसानों को भी प्रोत्साहन राशि प्रति एकड़ 10,000 रुपये दिया जा रहा है। भाजपा नेताओं को आरोप लगाने से पहले पूर्व के रमन सरकार के आंकड़ों को पढ़ना चाहिए। साथ ही भूपेश सरकार लगातार किसानों के साथ कोई न कोई कपट कर रही है। अब यह है कि जिन किसानों ने रेघा किसान के रूप में अपने पंजीयन कराया है और वो उन किसानों के जो पंजीकृत खाता है उसमें जो है उनके धान के अंतर राशि जो है पहले आते रहा है, लेकिन इस बार उनके खाता में अंतर राशि को नहीं भेजा जा रहा है। बात समझ में नहीं आ रही कि क्यों नहीं भेजा जा रहा है। अधिकारी पूछने पर कोई चीज बताते नहीं है, सारा गोलमोल जवाब है। इस तरह प्रदेश के हजारों जो पंजीकृत किसान है रेघादार के रूप में, उनको अभी इस बार सरकार जो है अंतर राशि का भुगतान नहीं कर रही है।